हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट एकेडमी कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। और भिन्न देखिए दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, टाइप फर्स्ट फ्रैक्शन के क्वेश्चन देखिए है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + 1/4 × 5 + 1/5 × 6। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को दिखेगा तो देखिए सिंपल का फंडा है क्या। थोड़ा सा दो चीज याद रखिएगा। पहला कि देखिए जितना नीचे अंतर हो उतना ही ऊपर डिजिट होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि अगर यहाँ 2 लास्ट कर रहा है तो 2 से ही फर्स्ट होना चाहिए। 3 लास्ट कर रहा है तो 3 से स्टार्ट होना चाहिए। 4 लास्ट कर रहा है तो 4 से स्टार्ट होना चाहिए। इस तरह के कंडीशन में, इस तरह के क्वेश्चन में हम लगाते हैं 1/1 − 1/2। क्या लगाते हैं दोस्तों फॉर्मूला? लगाएंगे 1/1 − 1/2। जान लीजिए इसी के चलेंगे। और क्यों लगाते हैं इसका भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए 1/1 मतलब कितना है 1 और लास्ट कितना है 6। तो वही देखेंगे, फर्स्ट 1/1 मतलब हो जाएगा 1/1 और 1/लास्ट, लास्ट मतलब कितना है दोस्तों 6। 1 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/6। आंसर यही होगा। ऐसा क्यों करते हैं, चलिए इसका हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, 1 × 1/1 × 2 को हम लिख सकते हैं 1/1 − 1/2। ध्यान दीजिए, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं। देखिए तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2। इसी प्रकार से 1/2 × 3 को हम दोस्तों लिख सकते हैं 1/2 − 1/3। इसी प्रकार से दोस्तों 1/3 × 4 को लिख सकते हैं 1/3 × 1/4। 1/4 × 1/5 को लिख सकते हैं 1/4 − 1/5। और इसको लिख सकते हैं 1/5 − 1/6। देखिए दोस्तों, ऐसा करने पर डिजिट आ जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 की 6 आ जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा करने पर देखिए दोस्तों, जो है −1/2 है +1/2 से कैंसिल हो जा रहा है। −1/3 + 1/3 से कैंसिल हो जा रहा है। −1/4 = 1/4 से कैंसिल हो जा रहा है। −1/5 + 1/5 से कैंसिल हो जा रहा है और बच जा रहा है 1/1 − 1/6। तो देखिएगा 1 तो ऊपर बच रहा है दोनों जगह, ये फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर 6 है। तो है, तो क्या करेंगे 1/1 − 1/2। कब लगाएंगे कंडीशन, फिर से सुन लीजिए। नीचे जितना अंतर रहेगा उतने ऊपर नंबर होना चाहिए। और अगर लास्ट 2 से कम है तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर लास्ट 3 का है तो 3 से स्टार्ट होना चाहिए अगला टर्म। तो देखिए दोस्तों, बच गया 1/1 − 1/6। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अगला देखिए कंडीशन, प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों, नीचे 2 का अंतर है, ऊपर 2 नंबर है। नीचे 2 का अंतर है, 2 ऊपर डिजिट लिखा हुआ है। तो और देखेंगे क्या करना है, फर्स्ट माइनस लास्ट लगा देना है। और देखिए 3 से लास्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट भी हो रहा है। तो 1/1 नंबर, फर्स्ट नंबर मतलब कितना है दोस्तों 1। 1/लास्ट नंबर, लास्ट नंबर कितना है दोस्तों 11। 1 और 11 के 11 एलसीएम लीजिएगा तो 11 हो जाएगा। 11 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10/11 हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, देखिए नीचे अंतर कितना का है 3, ऊपर में 3 है। नीचे अंतर 3 का है, ऊपर में 3 का है। 4 लास्ट का है, 4 से स्टार्ट हो जा रहा है अगला टर्म। तो देखिए 1/1, फर्स्ट मतलब की 1 और 1/लास्ट, लास्ट मतलब कितना दोस्तों 16। 16 भी कैंसिल लेंगे तो 16, 16 में से 1 जाएगा तो 15/16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसी तरह से लिए हैं। नीचे देखिए 5 का अंतर है, ऊपर भी 5 है। 6 लास्ट कर रहा है और अगला टर्म 6 से स्टार्ट हो रहा है। सब में वही कंडीशन है। तो 1/1 नंबर, फर्स्ट नंबर मतलब की 1 है। 1/लास्ट नंबर, लास्ट नंबर मतलब की 21 है। 1 और 21 का एलसीएम लेंगे तो 21 होगा। 21 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20/21 हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन है 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + डॉट 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 +
पोजीशन वही फ्लोर है, नीचे एक काउंटर है, ऊपर भी एक है, और जहाँ सेकंड नंबर अगर लास्ट कर रहा है वही थर्ड टू से लास्ट कर रहा है तो टू से स्टार्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों इसमें भी वही कंडीशन हो जाएगा, वन बाय फर्स्ट माइनस वन बाय लास्ट हो जाएगा। तो वन बाय फर्स्ट मतलब कि वन बाय फर्स्ट मतलब कि वन, और वन बाय लास्ट, लास्ट मतलब कितना है दोस्तों 35 है। एलसीएम निकालिएगा तो 35 हो जाएगा, 35 में से वन जाएगा तो 34 हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, वन बाय वन इंटू टू प्लस वन बाय टू इंटू थ्री प्लस वन बाय थ्री इंटू फोर प्लस डॉट 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 वन बाय एन इंटू एन प्लस वन। देखिए कंडीशन है नीचे वन का अंतर है ऊपर वन है, वही हो जाएगा। वन बाई फर्स्ट, फर्स्ट मतलब कि वन है, माइनस वन बाई लास्ट, लास्ट कितना है दोस्तों एन प्लस वन, एन प्लस वन, और एक एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा एन प्लस वन, ऊपर हो जाएगा एन प्लस वन और माइनस वन हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एन बाई एन प्लस वन, ये क्या हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि फर्स्ट टाइप आप लोग का अच्छा से समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या इसमें होगा, वन बाई फर्स्ट माइनस वन बाई लास्ट कैसे लगेगा, थोड़ा सा देखिएगा। नीचे जितना अंतर है संख्या का वही संख्या ऊपर होना चाहिए, और ध्यान दीजिएगा अगर टू लास्ट कर रहा है तो अगला स्टेटमेंट टू से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तब कंडीशन लगा दीजिएगा वन बाई फर्स्ट माइनस वन बाई लास्ट। टाइप सेकंड के बारे में देखिए, टाइप सेकंड का क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन करने के लिए टाइप फर्स्ट में था कि नीचे जितना का अंतर होता था ऊपर वही डिजिट होता था, लेकिन इसमें दोस्तों नहीं है। इसमें क्या करेंगे तो वन बाय डिफरेंट, वन बाय डिफरेंट इनटू वन बाय फर्स्ट नंबर माइनस वन बाय लास्ट नंबर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिफरेंट कितना का डिफरेंट है तो देखेंगे कि दो का डिफरेंट है, दो ऊपर में नहीं है तो वन बाई डिफरेंट करेंगे तो डिफरेंट के जगह कितना लिख देंगे वन बाई टू, फर्स्ट नंबर कितना है वन बाई फर्स्ट मतलब कि वन, और वन बाई लास्ट मतलब है कि वन बाई थ्री। देखिए कैलकुलेशन इसको कीजिएगा तो वन बाई टू हो जाएगा, और ग्यारह भी कैल्सियम लेंगे तो कितना हो जाएगा ग्यारह, और ग्यारह में से एक जाएगा तो दस, इसको लिख सकते हैं वन बाई टू इंटू टेन बाई इलेवन, टू से कट जाएगा फाइव बार में यानी बच जाएगा फाइव बाई इलेवन, यही हो जाएगा दोस्तों एंसर। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करना है, अगर जितना डिफरेंट रहेगा नीचे अगर उतना ऊपर नहीं रहेगा तो वन बाई डिफरेंट इंटू वन बाई फर्स्ट माइनस वन बाई लास्ट, यही करना है। देखेंगे कितना का डिफरेंट है दोस्तों चार का, तो कर देंगे वन बाई फोर, फर्स्ट नंबर वन बाई फर्स्ट नंबर कितना है फाइव, लास्ट नंबर कितना है वन बाई ट्वेंट, और यहाँ देखिए हो जाएगा दोस्तों तो बच जाएगा सोलह, चार चौके सोलह यानी चार बटा बच जाएगा 105 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। अगला देखिए दोस्तों डिफरेंट कितना का है, यहाँ भी चार का डिफरेंट है ऊपर में चार नहीं है तो वन बाई डिफरेंट कर दीजिए, तो वन बाई डिफरेंट मतलब कि हो जाएगा वन बाई डिफरेंट है फोर का, फर्स्ट नंबर कितना है दोस्तों वन बाई थ्री, लास्ट नंबर कितना है तो वन बाई उन्नीस, तीन और उन्नीस कैल्सियम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा संतावन हो जाएगा, वन बाई फोर इंटू संतावन, और यहाँ हो जाएगा उन्नीस, उन्नीस में से तीन जाएगा तो बच जाएगा सोलह, क्या चलिए सोलह सो चार बटा कितना हो जाएगा संतावन, ये हो जाएगा आंसर। अगला देखिए दोस्तों आंसर कितना का दो का, लेकिन नहीं है डॉट डॉट पैटर्न वही फॉलो कर रहा है तो वन बाई डिफरेंट कितना का डिफरेंट है दोस्तों दो का, तो कितना हो जाएगा वन बाई टू, फर्स्ट नंबर कितना है थ्री वन बाई थ्री, लास्ट नंबर कितना है 51, इक्यावन और तीन का एलसीएम लीजिएगा तो इक्यावन हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन कर दीजिए ये हो जाएगा 51 और तीन से कीजिएगा तो हो जाएगा 17 माइनस वन यानी हो जाएगा वन बाई टू इंटू सोलह बटा इक्यावन, काट दीजिए तो आठ हो जाएगा यानी कि आठ बटा इक्यावन। अगला देखिए दोस्तों डिफरेंट कितना का है तीन का, ऊपर में तीन नहीं है तो वही लगाइए वन माइनस वन बाई डिफरेंट, डिफरेंट कितना का है थ्री, वन बाई फर्स्ट नंबर कितना है फाइव और लास्ट नंबर कितना है 25। देखिए दोस्तों वन बाई थ्री
इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 × 45 से 5 और 5 × 10 = 14 145 हो जाएगा। और इसको कीजिएगा ये हो जाएगा 29, 29 में से 5 चल जाएगा तो 29 में से 5 जाएगा तो दोस्तों बच जाएगा 24। 1/3 × 24 बटा हो जाएगा 145। काट दीजिए 8 बार में कट जाएगा यानी आंसर हो जाएगा 8/145। तो देखिए दोस्तों फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे जितना का डिफरेंट रहेगा उतना ही अगर ऊपर नंबर रहता है तो फॉलो कीजिएगा 1/1 माइनस 1/लास्ट नंबर, और नीचे जितना डिफरेंट रहता है अगर ऊपर नहीं रहता है तो 1/1 माइनस 1/लास्ट नंबर, और बहुत इजी तरीका से बन जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत।